तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा आपके लिए अच्छा होगा बनवाना, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आज हम लोग एक कंपेयर वीडियो ला रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा जरूरी होता है और किस तरह से आप इसको बनवा सकते हैं। दोस्तों, पहले ही आपको बता दें कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मान्य होते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कौन सी बनवाने में आपको सुविधा होगा और क्या इसका टाइम पीरियड होता है बनने में। तो इसी बात पे ओबीसी एसटी और एससी का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, इसी बात पे आज हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, YouTube पे ये शायद से पहला वीडियो होगा जो कि कंपेयर वीडियो है ऑफलाइन और ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। शायद से हो सकता है कि और भी वीडियो हो, चलिए उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वैलिड है, दोनों आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी आप बनवा के ले जाते हैं। एक एक वीडियो एक आपको बना के ले जाना है, ऑफलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम लोग पहले इस पर हम लोग बात करेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि ऑनलाइन आप लोगों को कहीं भी जाके आप अपने नज़दीकी साइबर में जाके बनवा सकते हैं और ऑफलाइन के लिए आप लोगों को ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों का लगता है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट में देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल का, तो उसमें आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पहले तो आप लोगों का लगेगा यहाँ पे इनकम, ठीक है, इनकम लगेगा। और दूसरा सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी होता है इसमें। उसके बाद आप लोगों का लगेगा डोमिसाइल या फिर आप लोग इसको रेसिडेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल भी कहते हैं, डोमिसाइल भी कहते हैं। और तीसरा आप लोगों का लगेगा कास्ट, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, जो भी आप सेंट्रली अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और अभी हम लोग इसका प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, पहले अभी हम लोग इसका पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या लगेगा। अब देखिए, ऑनलाइन में आपको ये तीन पेपर आप लोगों को जरूरी होता है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल या फिर जिसको डोमिसाइल आप लोग बोलते हैं, उसके बाद स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से हैं तो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का बना हुआ होगा। तो वो तीन चीज में जरूरी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑफलाइन अगर बनवाना चाहते हैं आप, तो ऑफलाइन में क्या क्या आप लोगों को पेपर लगेगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों का पेपर लगेगा वो होगा आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आप लोगों को जिस भी फॉर्मेट पे आपको बनवाना है तो वो फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, फॉर्मेट। तीसरा पेपर आप लोगों को लगेगा वो आप लोगों को आता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरा जो आप लोगों का लगेगा वो इसमें भी लगता है स्टेट कास्ट। और इसमें चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप लोगों को एक लेटर देना पड़ता है। ठीक है, आवेदन देना पड़ता है, आवेदन। ठीक है, आवेदन। देखिए, इसमें चार चीजें जरूरत होता है, आधार कार्ड, और जिस भी आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, चाहे आप ओबीसी का फॉर्मेट अलग होता है और एसटी और एससी का भी फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो जिसका भी आपको बनवाना है तो आप वहां पे आप लोगों को जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डिमांड करेंगे तो ऑफलाइन का किस तरह से बनाया जाता है, उसका एप्लीकेशन किस तरह से लिखें और फॉर्मेट को किस तरह फिलअप करें, अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको एक ऑफलाइन के बारे में आपको हम डिटेल में एक वीडियो भी ला देंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि इसके बारे में। ये हो गया आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को लगता है, और एक्स्ट्रा में आप एक दो फोटो भी ले सकते हैं, मांग सकता है वहाँ पे, हालांकि ज़रूरी नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो प्रोसेस करने में ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना समय लगता है। तो देखिए, ऑनलाइन अगर आप बनवाएंगे तो पहले आप लोगों का इसमें होता है कि सीओ लेवल का बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को सीओ लेवल का बनेगा उसमें। उसके बाद उसमें कुछ समय लगता है, लगभग 15 दिन का समय लगता है। उसके बाद आप लोगों सीओ को जब बन जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एसडीओ के लिए, सेंट्रल वालों के लिए। ठीक है, एसडीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो होता है ऑफलाइन में, इसमें आप लोगों का
इसमें तो पहले से आप लोग जाति बना रहता है, आप जहाँ से बनवाना चाहते हैं, चाहे डीसी से बनवाना चाहते हैं और चाहे या फिर आप एसडीओ से बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाके आवेदन दे देंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपको बनवाना है, जैसे कि एसडीओ से बनवाना तो एसडीओ के पास आवेदन देंगे, अगर ब्लॉक में अगर बनवाना है तो ब्लॉक अधिकारी के पास आप लोग एक आवेदन दे देंगे। और यहाँ पे एक हो सकता है कि आप लोग को एक दिक्कत भी आता है ऑफलाइन में, कि ऑफलाइन में दिक्कत ये आता है कि आपको पूछ भी देता है, कि आपको आवेदन में पूछ देता है कि जो आप आवेदन लिखेंगे उसमें जब नाम और पता आप लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को एक लाइन और जोड़ देना होता है कि किसके लिए आप लोग को ज़रूरत है। तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि एसएससी जीडी का हमने फॉर्म फिलअप किया था, उसमें हमें कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो इसलिए हमें शीघ्र से शीघ्र बनवा देने का प्रयास करें। तो वो आपको एक लाइन नीचे लिखना भी पड़ता है, कभी कभी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है, और फॉर्मेट आप ऑनलाइन निकाल ही लेंगे। फॉर्मेट अगर आपको नहीं मिला है, अगर चाहते हैं आप फॉर्मेट लेना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम वहाँ पे फॉर्मेट और एप्लीकेशन, जो आवेदन आप किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। और किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा है, किसी तरह कुछ डाउट है आपको पूछने का, तो यहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप पूछें। सबसे पहले हम रिप्लाई कमेंट वालों का ही करते हैं, उसके बाद हम टेलीग्राम पे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो प्रोसेस का समय लगता है वो कितना लगता है। तो आपको अगर ये अगर CO और SDO टोटल बनवाने में आपको समय जो लगेगा वो 25 से 30 दिन, यानी कि एक महीने का समय आप लोगों को लग जाता है। 20 से 25 दिन का समय आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में लग जाता है, अगर आप लोगों को फॉर्मेट के आधार पर आप लोगों को एसडीओ तक का आपको चाहिए तब। और यहाँ पे देखिए, अगर ऑफलाइन अगर आपको बनवाना है तो ऑफलाइन जो है कि आप लोगों को जल्दी बन सकता है, आप पे वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं, अपना काम के प्रति ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप इसको 15 से 20 दिन में भी बनवा सकते हैं, 15 दिन में भी आप लोगों का बन सकता है ये। और अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा जो पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे कि खर्च पे, तो खर्च कितना आता है। तो देखिए, ये हर स्टेट में वेरी करता है, आप जिस भी स्टेट से होंगे तो वहाँ पे खर्च आप लोगों का वेरी करता है। लेकिन अभी हम जिस स्टेट में प्रेजेंट है, झारखंड स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑनलाइन के लिए आप लोगों का ₹400 आप लोगों का लग रहा है। CO लेवल का बनवाने के लिए ₹250 का, और SDO लेवल का अप्लाई करने के लिए फिर से ₹150 लगता है। एक ही बार आपको ₹400 ले लिया जाएगा, वो साइबर वाला खुद से ही अप्लाई कर देता है, आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर देगा कि आपका बन क्या गया CO लेवल का, उसके बाद आप लोगों को एक बार अलग से SDO का अप्लाई करना होता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसका ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन देखिए, ये तो घर का होता है। अगर आपका ब्लॉक में अगर पहचान है, अच्छे लोग हैं आपके, तो आपका यहाँ पे ₹200 में भी बन जाता है, ₹150 से ₹200 आप लोग का बन जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें परेशानी क्या होता है, इसको बनवाना कौन सा मुश्किल होता है, ऑनलाइन ज़्यादा आसान है बनवाना या ऑफलाइन बनवाना आसान है। तो देखिए, ऑनलाइन बनवाना सबसे बेस्ट होता है, सबसे आसान होता है ऑनलाइन बनवाना। लेकिन इसमें एक खामी भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। और ऑफलाइन में थोड़ा सा आप लोगों को दौड़ धूप करना होता है, आप लोगों को ब्लॉक जाना होगा, एसडीओ ऑफिस जाना होगा, डीसी ऑफिस जाना होगा, जहां से भी आपको बनवाना है डीसी ऑफिस से या फिर जहां से भी बनवाना हो उनके ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें परेशानी क्या क्या हो सकती है। परेशानी के बारे में तो इसको बता दिए कि आप लोगों को ऑफलाइन आप लोगों को जाना पड़ेगा, ब्लॉक आपके घर के बगल में तो होगा नहीं, हो सकता है किसी किसी का हो, लेकिन मैक्सिमम लोग का ब्लॉक जो होता है नज़दीक नहीं होता, वो दूर होता है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा आप लोगों को, किसी दो चार दिन का परेशानी होता है आप लोगों का। और अब हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन में आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन में होता है क्या कि अप्लाई जब करते हैं तो एक बार में अप्लाई होता नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है, तो हो सकता है आपको एक दो बार आप लोगों को अप्लाई करना पड़े। जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं वो उनके लिए सफिशियंट नहीं होता है, या फिर अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से साइबर वाले, तो उन लोगों का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है कि टाइम जो है ना कि आप लोगों का कोई निश्चित नहीं होता है कि आप लोग टाइम, अगर आप आज अप्लाई कर दिए हैं तो आप लोगों का 20 से 25 दिन में बन ही जाएगा। हो सकता है आपको 5 दिन के बाद पता चले कि आपका जो है कि एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यही था, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों बता दिए, दोनों हालांकि आप कहीं भी सेंट्रल लेवल का अप्लाई करते हैं तो दोनों आप लोगों के लिए सफिशियंट होगा। जहां भी आप लोगों को ज़रूरत है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों अगर आप लेके जाएंगे तो आपका वहां पे वैलिड होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे वो एसएससी जीडी का, अभी प्रेजेंट में एसएससी जीडी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, तो एसएससी जीडी का भी जो भी होने वाला है ऑफलाइन या ऑनलाइन लेके जाएं तो उनके लिए अच्छा होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। और एक बात और, ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर जो बनवाते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आया है आप लोगों के लिए, वो लोग सुन लें। देखिए, ओबीसी वालों में क्या होता है कि क्रूशियल डेट एक मांगा जाता है, कि क्रूशियल डेट के पहले से आप लोग का
कास्ट जो है वो होना चाहिए। बाकी एससी और एसटी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपडेटेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन देखिए क्रूशियल डेट जो है कि 21 अगस्त 2021 है ओबीसी वालों का, लेकिन इससे पहले का अगर आपको अपडेट दे दें, जो 2018 में भर्ती आई हुई थी एसएससी जीडी का, उसमें क्रूशियल डेट के बाद वाला भी जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी वाला, उनको भी ले लिया जा रहा था। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर जो भी कैंडिडेट परेशान थे कि सर मेरा डेट कब का होना चाहिए, क्रूशियल डेट का बाद का होना चाहिए या पहले का होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट जब 18 में जब भर्ती आई थी तो क्रूशियल डेट के बाद भी प्रेजेंट 2 महीने 1.5 महीने पहले भी लोग जाति बनवा के अपना दे रहे थे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। सिर्फ उन लोगों को मतलब होता है जाति से, जो भी ये बताते हैं कि क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए तभी आप लोगों को भर्ती में अलाउ किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। क्रूशियल डेट के बाद का भी चल सकता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि जो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में जो आप लोगों का डाउट था कि कौन सा हम आपको बनवाएं, कौन सा बना लें कि मेरे लिए बेस्ट होगा, किसमें क्या खर्च आता है, कितना प्रोसेस लगता है, टाइमिंग में कितना प्रोसेस, कितना टाइम लगता है बनने में, तो सारा कुछ हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करें होंगे कि आप लोग भी इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखे होंगे, तो जो भी आपका अगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर देखे होंगे तो ये 100% कहते हैं कि आप लोगों का जो डाउट था ऑनलाइन और ऑफलाइन से वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट में अभी परेशान थे, कास्ट सर्टिफिकेट जिनका नहीं बन पाया है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और ये पहले भी बताए हैं आपको कि ये YouTube पे शायद से पहला वीडियो है कंपेयरिंग का वीडियो, कंपेरिजन का वीडियो ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो आपको अच्छा लगा होगा। और किसी तरह का कोई डाउट है आपके मन में जो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको Instagram का एक आईडी भी मिल जाएगा मेरा, वहाँ पे आप हमको जाके फॉलो कर सकते हैं, आगे आने वाली किसी भी जानकारी के बारे में हमसे बात कर सकते हैं वहाँ पे कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। एक आईडी आपका Instagram का लिखा हुआ आ रहा होगा, आप चाहें तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अब अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।